सब तो एक ही जगह से छपा है ना। नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा और ये फ्री हिट, ये फ्री की हिट जो मिली है, देखते हैं इसका इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं। लेकिन लेकिन सिर्फ एक रन और ये अवार्ड रिसीव करते हुए नीरज, नीरज फ्रॉम एचडीजीडी। काफी अच्छी बॉलिंग, बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन और ये कैच मिस करते हुए, लेकिन बाउंड्री नहीं जाने दिया है प्लेयर ने। बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। लास्ट बॉल यहां पर 1 रन, बैट्समैन गिर गए हैं, उठा दीजिए। काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं यहां पर। पहली ओवर की समाप्ति 11 रन। और ये 6 रन, रिचर्डसन का 6। काफी अच्छी बैटिंग, दूसरा शॉट ऊपर लगते हुए 1 रन की ओर, बढ़ता हुआ स्कोर 17। 6 रन, काफी अच्छी बैटिंग, डिस्ट्रक्टिव बैटिंग कर रहे हैं दोनों ही एंड से बैट्समैन। बॉलिंग टीम प्रेशर में, एक और अच्छा शॉट, काफी अच्छी फील्डिंग, सिर्फ 1 रन ले पाएंगे। और ये फुल टॉस बॉल को टॉस नहीं कर पाए बैट्समैन, सिर्फ 1 रन मिलेंगे यहां पर, बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन। 25, 25, 1 रन लेंगे यहां पर। 27, 2 ओवर की समाप्ति, बढ़ता हुआ स्कोर 27। काफी हर्षोल्लास से ये टूर्नामेंट हो रहा है यहां पर, सभी टीम्स अपना बेस्ट देते हुए। काफी अच्छा शॉट नॉन स्ट्राइकर के बैट पर लग के लेग साइड में जाते हुए, सिर्फ 1 रन के लिए। बहुत ही अच्छी बॉल और अपॉर्चुनिटी मिस की है बैट्समैन ने। और ये 1 रन, रन आउट का चांस, लेकिन नहीं ले पाए। सेकंड रन के लिए यहां पर दूसरा रन भी चोरी कर लिया है बैटिंग टीम ने। बहुत अच्छी बॉलिंग और यहां पर फील्डर के बगल से निकल गई ये बॉल, रैक पे लग के फील्डर कुछ नहीं कर पाए। काफी अच्छा स्कोर यहां पर, डॉट बॉल, स्टंपिंग किया है यहां पर, लेकिन अंपायर के कॉल का इशारा, आउट दे दिया है अंपायर ने। नए बैट्समैन आ रहे हैं क्रीज पर, आउट दिया। नॉट आउट, नॉट आउट है प्लेयर, अंपायर ने नॉट आउट दिया है। नए बैट्समैन काफी एक्साइटेड लग रहे हैं बैटिंग के लिए, डिसीजन के पहले ही आ जा रहे हैं बैटिंग के लिए। बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग, रन आउट का चांस, लेकिन
बहुत ही फास्ट, बहुत ही सीमलेस तरीके से रन ले लिया है, एक रन। बढ़ता हुआ स्कोर 36-36, बैटिंग टीम नीड्स टू गेयर अप। तीन ओवर की समाप्ति, आ गए हैं बॉलिंग पर लोहित। तीन ओवर 36 रन, 12 रन के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, लेकिन अगर जीतना है तो थोड़ा सा गियर बढ़ाना पड़ेगा। मौसम बन गया ना एकदम लगा के छोड़ू। ओवर की शुरुआत 37 रन, फुल टॉस बॉल, लेकिन टॉस नहीं कर पाए बॉल को और सिर्फ एक रन लेंगे। बाउंड्रीज की जरूरत, बाउंड्रीज की जरूरत यहां पर बैटिंग टीम को एक स्कोर खड़ा करने के लिए। लोहित, लोहित काफी अच्छी बॉलिंग, स्टंपिंग, यहां पर रनआउट का चांस मिस कर दिया है। बैट्समैन को एक जीवन दान मिल गया है। काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं लोहित, बाउंड्री नहीं पड़ी है अभी तक और सारी बॉल सिर्फ एक रन या डॉट हो रही है, रन आउट कर दिया है यहां पे प्लेयर को। काफी अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पे बॉलिंग टीम की ओर से, और ये स्टंपिंग कर दिया है। बहुत ही अच्छी कीपिंग, बहुत ही अच्छी कीपिंग। प्लेयर गिरने से ये पता चल रहा है कि प्लेयर अपना बेस्ट दे रहे हैं, 100% दे के फील्डिंग कर रहे हैं। कितना बॉल है? दो बॉल। कितना बॉल है? दो ही बॉल। चार बॉल बचे हैं इस ओवर के। बढ़ता हुआ स्कोर 39, दो बॉल हुए हैं बॉलर के। एक मिनट, एक मिनट, वही देख के मैं चिलअप टीम, चिलअप काउंट हो रहा है। बैट्समैन टीम एक प्लेयर बाहर भेज दिए रन काउंट करने के लिए, एक प्लेयर बाहर भेज दीजिए। चार बॉल 39 रन, कैच का चांस मिस हो गया। है बहुत अच्छा शॉट, काफी अच्छी फील्डिंग करने की कोशिश, लेकिन चार रन का इशारा अंपायर द्वारा। ओवर की समाप्ति, बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन टू विन है, 46। क्रेडिट लार्ज कॉर्पोरेट वर्सेस ECBDM, दोनों ही टीम काफी अच्छी टीम, उत्साह बरकरार है। 46 रन चाहिए 24 बॉल में, देखते हैं क्या बैटिंग टीम चेस कर पाएगी या बॉलिंग टीम डिफेंड कर पाएगी। है ना सब,
बैट्समैन टीम से एक जन बाहर आ जाइए। दोनों ही टीम से रिक्वेस्ट है, कृपया करके मैच चालू कीजिए। वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम एंड वी नीड टू कंप्लीट टुडेज टूर्नामेंट इन टाइम। कृपया जल्दी मैच की शुरुआत कीजिए। चलिए पहला बॉल, लेफ्टी बैट्समैन मिस फील्डिंग, यहां पर एक रन के लिए सफल रहेंगे एक रन लेने में। टीम लैस और टीम प्रोजेक्ट आ जाइए टॉस के लिए यहां पर नियर द प्रोजेक्ट। टीम लैस के कैप्टन और टीम प्रोजेक्ट टीम लैस एंड टीम प्रोजेक्ट्स के कैप्टन प्रोजेक्ट का नहीं है कृष्णा कृपया करके टॉस के लिए आ जाइए। टीम प्रोजेक्ट के कैप्टन टॉस के लिए आ जाइए। कृष्णा आ जाइए। और ये काफी अच्छा लॉफ्ट, लेकिन रन आउट का चांस बिल्कुल भी नहीं। बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन, 19 बॉल में 40 रन की जरूरत है बैटिंग टीम को। देखते हैं ये मार पाते हैं या नहीं। और ये गगनचुंबी छक्का, मैक्सिमम 6 रन के लिए मार दिया है। नेक्स्ट मैच लैस वर्सेस प्रोजेक्ट्स। लैस टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया है यहां पर। प्रोजेक्ट्स टीम बैटिंग करेगी, लेकिन यहां देख रहे हैं हम चौके पे चौका, छक्के पे छक्का मारा जा रहा है। 4 रन, अगर इस हिसाब से बैटिंग करेंगे तो काफी अच्छा चांस बन सकता है टीम को जिताने का। सिंगल ले रहे हैं, काफी सूझबूझ से बैटिंग कर रहे हैं बैट्समैन। बाउंड्रीज के साथ साथ सिंगल भी बरकरार रहना चाहिए। बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन, 18 बॉल में 29 रन की जरूरत। और ये डॉट बॉल का इशारा, काफी अच्छी फील्डिंग यहां पे। अपील किया है यहां पे आउट के लिए, लेकिन एक रन होगा। काफी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं प्लेयर्स, अपने टीम्स के लिए रन बचा रहे हैं। 14 बॉल पे 28 रन, बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। लॉफ्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन कैलकुलेटिव नहीं था, इसीलिए सिर्फ जाली तक ही पहुंच पाया ऊपर वाले। एक ही रन मिलेगा, सूझबूझ के साथ बैटिंग कर रहे हैं बॉलिंग टीम। काफी बढ़िया बॉल, इसी तरीके से अगर बॉलिंग करते रहे तो टीम को अपने मैच में जरूर वापस लेके आ जाएंगे। 12 बॉल 27 रन की जरूरत, बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। फील्डिंग टीम अपने बॉलर्स को अप्रिशिएट करते हुए, मोटिवेट करते हुए, और बैट्समैन बॉलर का वहां पर वेट करते हुए। जल्दी जल्दी आइए, बारह बॉल पर, और ये नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। बाउंड्री हो सकती थी, लेकिन यहां पे प्लेयर ने बहुत ही चालाकी से बॉल को रुका दिया है। 12 बॉल 25 रन की जरूरत, काफी उम्दा बॉलिंग। बैट्समैन सिर्फ एक ही रन ले पा रहे हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि एक रन से कुछ होने वाला है। बैटिंग टीम को बाउंड्रीज की काफी ज्यादा जरूरत। बॉलिंग टीम फिलहाल डॉट और सिंगल में खुश है।
काफी बढ़िया शॉट जाली के ऊपर से 6 रन के लिए। काफी अच्छा शॉट मारा है यहां पर बैट्समैन ने। बैटिंग टीम की सारी उम्मीदें बैट्समैन पर, लॉफ्ट कर दिया है लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 रन मिलेंगे। 9 बॉल पे 17 रन की जरूरत, 9 बॉल पे 17 रन, 3 बॉल हुई है इस ओवर में। बैट्समैन तैयार, 1 रन। बैटिंग टीम 8 बॉल 16 रन की जरूरत, और ये बहुत अच्छा जजमेंट यहां पर बैट्समैन का। अगर थोड़ा भी जजमेंट मिस होता तो बैट्समैन यहां पे से मिस हो जाता, लेकिन वाइट बॉल और ये काफी अच्छा प्लेसमेंट 1 रन के लिए। 7 बॉल पे 14 रन की जरूरत यहां पर, और ये बॉलर प्रेशर में है, वाइट बॉल। 7 बॉल 13 रन की जरूरत, काफी अच्छा लॉफ्ट करने की कोशिश, लेकिन यहां पे सेकेंड बॉल सेकेंड रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन विकेट गवाकर वापस जा रहे हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है काश वो 2 रन ना लिया होता। विजय इस बार वापस जाते हुए, टूर्नामेंट में काफी अच्छी बैटिंग की है इन्होंने, लेकिन सारी उम्मीदें दूसरे बैट्समैन पर। ओवर की समाप्ति, 6 बॉल 12 रन। अगर बैट्समैन चाहे तो 2 बॉल में खत्म कर सकता है, और अगर बॉलर चाहे तो आगे आपको पता ही है। काफी अच्छी बॉलिंग, 1 रन से ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे यहां पर, सिर्फ और सिर्फ 1 रन। 5 बॉल 11 रन की जरूरत, बैटिंग टीम उतने ही प्रेशर में। और ये बहुत ही अच्छी फील्डिंग प्लेयर द्वारा टीम के लिए रन तो बचाया ही बचाया है। कैच नहीं लिया है तो क्या हुआ, यहां पर रन बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत अच्छी फील्डिंग, 1 रन लिया है यहां पे, 1 रन से ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। जीतने के लिए 3 बॉल 8 रन की जरूरत। और ये मार दिया है गगनचुंबी छक्का, 3 बॉल पर 8 रन चाहिए थे लेकिन अब सिर्फ 2 बॉल पर 2 रन। बैट्समैन का चमत्कार, और यहां पर 2 बॉल 2 रन की जरूरत। कैच मिस होते हुए, कहा जाता था कि कैचेस विन मैचेस, बट यहां पर कैच छोड़ दिया है प्लेयर ने। सेम मैच 1 बॉल 1 रन, क्या बॉलर 1 बॉल 1 रन डिफेंड कर सकते हैं? बॉलर का असली इम्तिहान आज है। काफी अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन यहां पर, और ये रन नहीं ले पाए हैं। आज इस टूर्नामेंट में क्या हो रहा है ये तो आप सबको पता ही है, लेकिन जादू हो रहा है ये मैं बता दे रहा हूं। एक और सुपर ओवर का ऐलान यहां पर, मैच टाई हो गया है दोनों टीम के बीच में।
बैटिंग टीम और बॉलिंग टीम से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट आर्ग्यू। यहाँ पर काफी लोग बैठे हैं कैलकुलेशन करने के लिए, आप लोग अपने गेम पे फोकस करिए। फॉर श्योर जो सही होगा वही डिसीजन लिया जाएगा। दोनों ही टीम से रिक्वेस्ट होगी कृपया मैच को शुरू किया जाए। अंधेरा हो चुका है, शाम ढल चुकी है, लेकिन काफी टीम के अभी भी मैच बचे हुए हैं। टाइम में टूर्नामेंट खत्म करना है आज का, शुरू किया जाए। पहली बॉल, पहली बॉल यहां पर छह की तरफ, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग। यहां पे प्लेयर एक दूसरे को सराहना देते हुए, पहली बॉल छह बॉल पर 12 रन की जरूरत है। पहली बॉल पे एक रन आया है, 5 पे 11। और ये टीम के लिए 6 रन मारते हुए, ये 6 इन्होंने खुद के लिए नहीं, ये 6 इन्होंने अपनी टीम के लिए मारा है, अपनी टीम को जिताने के लिए मारा है। एक और शॉट, मैच खत्म। सुपर ओवर की जरूरत शायद नहीं थी इन्हें। फील्डिंग टीम नाराज, बैटिंग टीम